बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? ठीक ठाक उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हैं। आज मैं आपके साथ दो सूट हैं उनकी स्टिचिंग लेके आई हूँ। देखें ये बहुत प्यारे हैं। ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र को मैंने दिए, देखिए कुछ इस तरह से स्टिचिंग किया है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। और इसकी मैंने वीडियो बना के भी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। ये इस तरह से मैंने इसको ये ना लगाए थे, तो ये नीचे मैंने ये कपड़ा नहीं लगाया था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे, यहाँ से ना थोड़ा नंगा नंगा लग रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने इसके नीचे जो है ना ये नेट लगाई है, ये देखिए इस तरह से। और आप लोग चाहें तो लगा लें, नहीं लगाना चाहते तो भले आप ऐसे भी रहने दें, लेकिन ये देखें इस तरह से मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने इसके नीचे नेट लगाई है। और ये देखें ये जो हैं ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र को मैंने डबल जो है ना वो कटा बना के लगाए हैं। ये देखें ये पहले एक सिंगल सादा बनाए, फिर इसके ऊपर जो है ना डिज़ाइनिंग वाले वो बना के मैंने इसके ऊपर फिर बाद में इसके ऊपर पीस लगाए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है ये डिज़ाइन। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। ये देखें ये बहुत प्यारा लग रहा है ना। और ये इसकी ट्राउज़र था और ये इसकी शर्ट है। ये देखें शर्ट का मैं आपको बताया, मैंने गोल ज़्यादातर नेक जो होते हैं ना राउंड होता है, गोल होते हैं ज़्यादातर, तो यही पहनती हूँ। ये देखें ये इसकी शर्ट है। और शर्ट को मैंने ये देखें ये बैग से वो उतरती है ना पट्टी, वो लगा के मैंने फ्रंट साइड पे सीधी साइड पे इस तरह से इसको मैंने सिलाई। ये देखें चाक्स पे भी और ना नीचे भी इस तरह से, और छोटी छोटी बारीक लेस है जो मैंने इसको लगाई है, बहुत प्यारी माशाल्लाह लग रही है। ये देखें और आस्तीनों पे मैंने नहीं ना ये कपड़ा लगाया, क्योंकि इसके ऊपर पहले से ये डिज़ाइनिंग बनी हुई थी ना, इसको मैंने नीचे फोल्ड किया है। ये देखें और ये वाला इसका दुपट्टा है, और दुपट्टे को भी मैंने जो मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था कि मैंने इसी तरह से किया है, मैंने इसको ना लैस वगैरह कुछ नहीं लगाई, इसी तरह से बस मैंने इसको सिलाई किया है। ये देखें जो वाइट पट्टी थी उसको मैंने अंदर कर दिया है, और जो दूसरा था वो सब फ्रंट साइड पर आ गया, और बहुत प्यारा लग रहा है। और इसकी लॉन भी बहुत माशाल्लाह अच्छी है, प्रिंट भी प्यारा है। आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसा लगा। और एक ये है देखें, इसके ऊपर अभी बीड्स लगाने हैं मैंने, ये शादी पे पहनना है तो इसीलिए, ईद पे तो वो दूसरे पहने तो इसलिए, तो अभी मैं बाद में लगाऊंगी ये, इसके ऊपर बीड्स लगेंगे एक एक। और ये देखिए ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे को भी मैंने इस तरह से ये देखें कटा बना के लगाए हैं। ये देखें चारों तरफ ना ये पट्टी लगा के गोल्डन कलर की, तो फिर मैंने ये कटा बना के इसको लगाए हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था ये भी। ये देखें और ये इसकी शर्ट है, शर्ट को भी अभी बीड्स लगाने हैं। यहाँ पे बीड्स लगेंगे वो सेम कलर के जो होते हैं, और गोल्डन कलर के लाऊंगी बीड्स, और यहाँ पे भी लगेंगे और वहाँ पे भी लगेंगे। ये देखें इसको मैंने इस तरह से यहाँ से कट लगा के, तो इसको मैंने पाइपिंग लगाई है ये देखें, और बैन लगाई है इसको, बैन वाला गला बनना था, क्योंकि बैन वाला इस पर अच्छा लगता है, तो इसलिए फिर मैंने बैन वाला बनाया। इसकी वीडियो बना के भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। ये देखें ये कटा बनाए हैं, दुपट्टा इस कलर का है, तो दुपट्टे वाले कलर के मैंने इसको कटा बना के ना तो फिर मैंने इसको रेडी किया है। ये इसको मैंने प्लेट्स डाले हुए हैं, ये देखें
दोनों तरफ और बैक साइड पे। लेफ्ट साइड पे भी प्लेट डाले हुए हैं। और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी और मेरे सूटों की स्टिचिंग आपको कैसी लगी। और अगर कोई चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर कर दें। और मुझे अब दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।